Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 7 of rail analysis. आज के इस lecture में हम section 2.3 completeness property of rail numbers को discuss करेंगे. अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करें, video को like और share करें. Completeness property of rail numbers में सबसे पहले हम suprema एंड इन्फिमा के बारे में पढ़ते हैं. अब ये सुप्रीमा एंड इन्फिमा क्या होता है? यहाँ पर ये एक रेल लाइन है और इस रेल लाइन का हमने एक सबसेट लिया है एस, यानी एस क्या है, सबसेट है रेल नंबर्स का. अब ये जो पोर्शन है, ये जो रेड लाइंस, इस पोर्शन हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड ऑफ एस कहते हैं. सेट एस का ये अपर बाउंड कहलाता है. और इस साइड पर ये जो रेड लाइंस हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड ऑफ एस कहते हैं. अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. यहां पर जो एस है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, और यहां पर हमारे पास रियल नंबर्स को शो कर रहा है. जो एस है वो इसका सबसेट है. देन सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव. सेट एस क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा इफ देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर. अब यू किससे बिलोंग करे, आर से बिलोंग करे, सच दैट एस लेस देन इक्वल देन यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस. देखें, अब कह रहे हैं कि जो सेट एस है वो बाउंडेड अबव है. अब देखें, ये जो सेट एस है जो हमने लिया यहां पर, ये बाउंडेड अबव कब होगा, जब यू बिलोंग करे आर से. अब देखें यहां पर तो सेट एस एंड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो रेड लाइंस हैं ये सारा एरिया आर का है, ठीक है, ये आर का सारा एरिया है. अगर यहां से कोई यू बिलोंग करे इस एरिया से, ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये रेड लाइंस हैं, अगर इस एरिया से यू बिलोंग करे, अब यू क्या करेगा, सेट आर का एलिमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यू किसका एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट होगा. सच दैट एस लेस देन इक्वल देन यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस. अब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट एस में, वो सारे के सारे इस u से लेस होंगे. देख लें स्टूडेंट्स, इस फिगर में अगर ये कोई u एलिमेंट है तो इस सबसेट s में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट या जो एलिमेंट u है इससे लेस हैं, ठीक है. ईच सच नंबर u इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ सेट s. तो इस तरह जितने भी नंबर्स होंगे यू, उनको हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ एस कहेंगे. यहां पर एक यू नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पर यू काफी ज्यादा भी हो सकते हैं. ये कोई अगर आप यू नंबर ले लें तो ये इस यू नंबर से जितने भी सेट एस में एलिमेंट्स होंगे देन फिर भी क्या होंगे, लेस देन ही होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां पर हमने जो यू लिया है इसको हमने अपर बाउंड ऑफ एस का नाम दिया है. तो इस फिगर से आप इजी इस चीज को स्टडी कर सकते हैं. एस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस यू नंबर से लेस देन ही होंगे. तो इन यूज को, जो ये सारे यू हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं. तो अपर बाउंड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन. The set S is said to be bounded below. पहले हमने बात की bounded above की, अब हम बात कर रहे हैं bounded below की. Set S क्या होगा, bounded below होगा if there exists a number W belongs to R. अब bounded below को हम स्टूडेंट्स इस पोर्शन पर चेक करेंगे, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं bounded below को. तो यहां पर कोई W एग्जिस्ट कर सकता है. अब ये W क्या होगा स्टूडेंट्स,
आर का एलिमेंट होगा, सच दैट डब्ल्यू इज लेस देन, सॉरी डब्ल्यू हमारे पास यहां पर क्या होगा, ये लेस देन इक्वल देन एस होगा फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। देखें स्टूडेंट, अब ये जो डब्ल्यू होगा, अब ये जितने भी यहां पर ये सेट एस खत्म हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे इसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे सेट एस के। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट एस में, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो डब्ल्यू होगा वो इन एस के एलिमेंट्स से क्या होगा, लेस होगा। यहां से आप फिगर में भी देख सकते हैं, तो जितने भी हम यहां पर डब्ल्यू मैं लूंगा, यहां पर फॉर एग्जांपल ये कोई डब्ल्यू आ जाता है, देन ये डब्ल्यू भी इन एस के तमाम एलिमेंट्स से क्या होगा, लेस हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड ऑफ एस कहते हैं। तो ये सेट एस का क्या होता है, लोअर बाउंड होता है, ठीक है, यानी जो डब्ल्यू होता है ये लेस देन इक्वल देन एस होता है फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। आप सेट एस में कोई भी एलिमेंट लें तो डब्ल्यू उससे हमेशा छोटा होगा, तो इस डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड ऑफ एस कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस फिगर से भी क्लियर हो गया होगा कि हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड किस तरह डिफाइन करते हैं। फिर थर्ड है, द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड। तो सेट बाउंडेड कब होगा स्टूडेंट्स, इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। अगर कोई सेट हम क्या कहते हैं कि वो बाउंडेड है, देन हम ये चेक करते हैं क्या वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। यानी अगर हमने किसी सेट एस को चेक करना हो कि ये बाउंडेड है, तो उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले चेक करते हैं बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। अगर वो सेट एस बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, देन दिस सेट इज कॉल्ड बाउंडेड। तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। अ सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। अगर सेट बाउंडेड अनबाउंडेड नहीं, यानी तब होगा जब वो बाउंडेड नहीं होगा। यानी अनबाउंडेड के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट सिर्फ बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, देन इट इज अनबाउंडेड, वो अनबाउंडेड होगा, बाउंडेड नहीं होगा। बाउंडेड के लिए स्टूडेंट्स उस सेट का बाउंडेड अबव भी एंड बाउंडेड बिलो भी होना जरूरी है, अदरवाइज वो सेट बाउंडेड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एक सेट एस डिफाइन किया है, अब ये सेट एस क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस देन टू, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी आप ये कोई रियल लाइन समझे, तो ये जो सेट हमने एस लिया है स्टूडेंट्स, वो ये आप समझ लें ये टू एलिमेंट है, ये वाला टू एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप ये टू समझ लें कि ये कौन सा एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, टू एलिमेंट इस जो ये हम सबसेट ले रहे हैं, यानी एस विच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स लेस देन टू। तो अब इस टू से ये सारे के सारे लेस एलिमेंट्स यानी माइनस इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट एस में डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन टू इसमें शामिल नहीं है। अब सेट एस इज बाउंडेड अबव, अब ये सेट एस क्या है, बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव क्या डेफिनेशन क्या देखी थी, कि अ सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर सच दैट एस लेस देन इक्वल देन यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। तो यहां पर जो u है स्टूडेंट्स वो 2 है, यानी यहां पर जो u है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट 2 है। तो इस सेट में देखें, इस सेट में यानी
माइनस इनफिनिटी टू टू इस ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में मैं कोई भी एलिमेंट लू स्टूडेंट्स वो इस टू से लेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नेगेटिव एलिमेंट लेता हूं तो नेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, लेस देन टू होगा। तो यही बात हम यहां पर बाउंडेड अबव की बात कर रहे हैं। तो बाउंडेड अबव में एक यू आर से बिलोंग करता है सच दैट एस लेस देन इक्वल देन यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। तो इस सेट में हम कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं वो टू से लेस आता है। तो यहाँ पे जो टू है स्टूडेंट्स वो बाउंडेड अबव है, यानी जो ये नंबर जो टू है स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। तो टू के अलावा भी नंबर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल थ्री भी हो सकता है, तो थ्री भी इसमें अपर बाउंड हो सकता है। यानी द नंबर टू एंड एनी नंबर लार्जर देन टू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। तो टू भी इसका अपर बाउंड हो सकता है और टू के अलावा नंबर यानी थ्री फोर फाइव टेन ये सारे के सारे नंबर इसमें अपर बाउंड हो सकते हैं इस सेट एस की। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये सेट एस क्या है, बाउंडेड अबव है। दिस सेट हैज नो लोअर बाउंड। अब इस सेट का स्टूडेंट्स लोअर बाउंड नहीं है क्योंकि देख लें ये हम क्या जा रहे हैं, यहाँ पर माइनस इनफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इसमें कोई नंबर नहीं है कि यानी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम इसकी लोअर बाउंड कह सकें। यानी अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेट एस इस तरह डिफाइन होता कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू लेस देन टू, देन ये सेट क्या होता स्टूडेंट्स। अब ये सेट जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है ये सेट बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो नंबर है ये बाउंडेड यानी लोअर बाउंड है और ये जो नंबर है स्टूडेंट्स टू इसका अपर बाउंड है। टू यानी टू से ग्रेटर नंबर सारे इसमें अपर बाउंड आ सकते हैं और माइनस टू से जितने भी लेस नंबर हैं वो सारे के सारे इसके लोअर बाउंड्स आ सकते हैं। अब ये सेट एस किया बाउंडेड है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। लेकिन जो सेट एस है ये जो यहाँ पर डिफाइंड है, अब ये सेट लोअर बाउंड इसमें डिफाइंड नहीं है, सो सेट इज नॉट बाउंडेड। अब ये सेट जो यहाँ पर ये एस हमने डिफाइन किया था ये वाला एस ये नॉट बाउंडेड है, यानी बाउंडेड बिलो भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन इट इज नॉट बाउंडेड, ये तो अनबाउंडेड हो गया स्टूडेंट। तो बाउंडेड होने के लिए ये शर्त थी कि उसमें लोअर बाउंड भी होना चाहिए और अपर बाउंड भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये सेट डिफाइन किया है ये स्टूडेंट्स बाउंडेड सेट है, इसमें अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। इसमें अपर बाउंड टू और टू से ग्रेटर नंबर्स सारे इसमें अपर बाउंड आ सकते हैं और इसमें जो लोअर बाउंड है वो इसको आप माइनस टू भी रख सकते हैं या इससे लेस नंबर्स यानी माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो, ठीक है ये सारे ये सॉरी माइनस वन माइनस थ्री सॉरी यानी माइनस टू से लेस नंबर्स। ठीक है इसमें माइनस वन भी आ सकता है और आप माइनस थ्री भी ले सकते हैं, माइनस फोर भी ले सकते हैं, सारे नंबर इसमें आप लोअर बाउंड में ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये आ जाएगा माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस वन, इस तरह ये जीरो आ रहा है और इसमें स्टूडेंट फिर आएगा माइनस थ्री, इसमें फिर आएगा माइनस फोर। तो इस माइनस टू से इतने भी ये सारे नंबर हम ले रहे हैं माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये सारे इस सेट एस के लोअर बाउंड हो सकते हैं। वो भी हो सकता है लोअर बाउंड, माइनस थ्री भी हो सकता है, माइनस फोर भी लोअर बाउंड हो सकता है और इसके अपर बाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, थ्री भी हो सकता है स्टूडेंट्स, फोर भी हम ले सकते हैं, फाइव भी ले सकते हैं, इस तरह सिक्स भी हम ले सकते हैं। ये सारे नंबर्स इसके अपर बाउंड होंगे और यहाँ पर जो ये मैंने डिफाइन किए ये सारे नंबर इसके लोअर बाउंड होंगे और ये जो सेट एस यहाँ पर हमने डिफाइन किया है ये अनबाउंडेड सेट।
नेक्स्ट नोट, इफ अ सेट हैज वन अपर बाउंड, अगर किसी सेट का एक अपर बाउंड होता है देन इट हैज इनफिनिटली मैनी अपर बाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ये बात डिस्कस की थी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टू इस सेट एस का अपर बाउंड है देन देखें थ्री भी अपर बाउंड है, फोर भी अपर बाउंड है, फाइव भी, सिक्स भी, फॉर एग्जाम्पल ये इनफिनिटली मैनी नंबर होंगे जो इस सेट के अपर बाउंड होंगे। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है, अगर किस सेट का एक अपर बाउंड होता है देन इट हैज इनफिनिटली मैनी अपर बाउंड्स, इसमें एक से ज्यादा अपर बाउंड भी होती है। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस देन यू प्लस वन, यू प्लस टू, यू प्लस थ्री अप टू सो ऑन आर ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ सेट एस। तो ये सारे नंबर यानी यू प्लस वन, यू प्लस टू, यू प्लस थ्री, ये सारे के सारे नंबर सेट एस के क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। एंड सेम फॉर लोअर बाउंड, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वी लोअर बाउंड है देन वी माइनस वन, वी माइनस टू, वी माइनस थ्री, ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, लोअर बाउंड आएंगे। ठीक है, इस तरह ये हमने अपर बाउंड के लिए बात की है। तो अगर किसी सेट का एक लोअर बाउंड होता है तो इसमें इनफिनिटली मैनी लोअर बाउंड भी होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था पहले ही सेट एस के लिए। नेक्स्ट है कंसेप्ट सुप्रीमम एंड इनफिमम का। तो सुप्रीमम को हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड में से सबसे छोटा नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनफिमम को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स, यानी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ी वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, इनफिमम कहते हैं। और सुप्रीमम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई मैं सेट एस डिफाइन करता हूं, वही ऊपर मैंने जो सेट लिया था वही मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू लेस देन स्टूडेंट्स टू। अब ये जो हम देखें, अब इस सेट के अपर बाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है स्टूडेंट्स, फोर हो सकता है, अप टू सो ऑन मैनी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है अपर बाउंड्स, लेकिन जो सुप्रीमम होगा वो लीस्ट अपर बाउंड आएगा, यानी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम। यहां पर टू आ रही है वैल्यू, यानी देखें इन सब वैल्यूज में से छोटी कौन सी वैल्यू है, टू है। तो इस सेट का जो टू होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, सुप्रीमम होगा। ठीक है, इस तरह जब हम बात करते हैं इनफिमम की तो इसमें आती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स। तो इस सेट में देखें लोअर बाउंड्स मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, तो इसमें लोअर बाउंड क्या हो सकती है, माइनस टू हो सकती है, माइनस थ्री वैल्यू हो सकती है लोअर बाउंड, माइनस फोर हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जब हम इस तरफ जाएंगे वैल्यूज क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस फाइव हो सकती है इसकी लोअर बाउंड, लेकिन जो इनफिमम होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो आप इस लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे, इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, माइनस टू है। इस सेट का जो इनफिमम होगा वो क्या होगा, माइनस टू होगा। इस तरह आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा सुप्रीमम का और इनफिमम का। तो अब यहां पर इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट सेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इफ सेट एस इज बाउंडेड अबव, अगर सेट एस बाउंडेड अबव है देन आर नंबर U is said to be supremum. Supremum को हम क्या कहते हैं, least upper bound of S if it satisfy the conditions. U क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, यानी अपर बाउंड होगा तब वो नंबर सुप्रीमम यानी हो सकता है।
अगर वो नंबर अपर बाउंड भी नहीं है तो वो सुप्रीमम नहीं हो सकता। तो सुप्रीम होने के लिए किसी भी नंबर को पहले ये शर्त है कि वो नंबर अपर बाउंड में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इफ वी इज एनी अपर बाउंड ऑफ यू, ठीक है, ऑफ एस, देन यू लेस देन इक्वल देन वी। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब ये जो थ्री है, अब ये भी इसका अपर बाउंड हो सकता है सेट एस का। अब ये बात जो सेकंड हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि टू इसका सुप्रीमम है, देन यू देखें, यानी टू एक अपर बाउंड भी है, एंड इफ वी इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, अब इस सेट एस का स्टूडेंट्स थ्री भी अपर बाउंड हो सकता है। अब ये शर्त इसको आप वी समझ लें, यानी वी को आप समझ लें थ्री। तो अब ये बात हम जो कर रहे हैं कि यू लेस देन इक्वल देन वी, यानी क्या होना चाहिए। अब देखें यू तो अपर बाउंड हमने लिया है टू, तो देखें टू लेस देन थ्री है, ये चीज हम बात कर रहे हैं कि जो यू है स्टूडेंट्स वो लेस देन इक्वल देन थ्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये चीज पॉइंट नंबर टू को डिस्कस इस तरह किया जा रहा है कि यू अपर बाउंड होना चाहिए, और अगर कोई वी एनी अदर अपर बाउंड हो देन यू उससे लेस होना चाहिए। तो जिस तरह ये मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पर ये बताया है। नेक्स्ट है इफ सेट एस इज बाउंडेड बिलो, अगर सेट एस बाउंडेड बिलो है देन अ नंबर डब्ल्यू इज सेट टू बी इनिफिमम, तो नंबर डब्ल्यू को हम इनिफिमम कहेंगे, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे, इनफिमम कहेंगे। इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ए डब्ल्यू इज एन लोअर बाउंड ऑफ एस, पहली शर्त है कि डब्ल्यू को लोअर बाउंड होना चाहिए एस का, और सेकंड शर्त है इफ टी इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस देन टी लेस देन इक्वल देन डब्ल्यू। देखें अब इसी सेट की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें तो W आप समझ लें, यानी इसकी जो हमारे पास है इनिफिमम है वो है माइनस टू। अगर हम कोई और एलिमेंट लेते हैं सेट S का, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स माइनस वन ले लेता हूँ। अब देखें माइनस टू इसका इनिफिमम है, तो अब ये बात जो T की बात कर रही है, यानी T इज एनी अदर लोअर बाउंड, लेकिन जो माइनस वन है वो सेट एस का लोअर बाउंड है। यहाँ पर मैं बात कर चुका हूँ कि माइनस टू भी लोअर बाउंड है, माइनस थ्री भी लोअर बाउंड है, माइनस फोर भी लोअर बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी यहाँ पर हम माइनस थ्री लेंगे, क्योंकि हम माइनस वन की बात नहीं कर रहे, माइनस वन तो फिर सेट एस के अंदर ही आ जाएगा। तो हमने ये जो एनी नंबर और ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए, आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास है टी है, ये भी एक लोअर बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टी को यहाँ पर माइनस थ्री लिया है, अब माइनस थ्री स्टूडेंट्स ये लेस देन है माइनस टू। मैंने आपको कहा था कि जब हम इस साइड पर जाते हैं तो नंबर्स लेस देन होते जाते हैं, अगर हम इस साइड पर जाते हैं तो नंबर्स ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है। जब हम इस साइड पर जाएंगे तो नंबर्स हमेशा क्या होंगे, लेस देन ही रहेंगे। इसमें स्टूडेंट्स माइनस थ्री लेस देन हो जाएगा माइनस टू, तो यही बात हम कर रहे हैं। जितने भी हम टी लेंगे यानी अदर लोअर बाउंड्स लेंगे, तो जो हमने इनफिमम कहा है इस माइनस टू को, बाकी जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो इस नंबर से लेस होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तब हम इस नंबर को क्या कहते हैं, इनफिमम कहते हैं। तो इनफिमम यही होता है के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी वैल्यू। तो इफ द सुप्रीमम और इनफिमम ऑफ अ सेट एग्जिस्ट वी विल डिनोट इट एज, सुप्रीमम को हम लिखते हैं एस यू पी, यानी इसको ये मुखफ्फफ है, ये शो कर रहा है सुप्रीमम ऑफ एस, और इसको हम पढ़ते हैं इनफिमम ऑफ एस, इसको हम यानी शॉर्टर लिखते हैं आई एन एफ ऑफ एस, ठीक है। फिर है देर आर फोर पॉसिबिलिटीज फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इट कैन हैव,
यहाँ पर ये चार पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जब हम लेते हैं सेट R का, तो इसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हैव बोथ आर सुप्रीमम एंड इनफिमम, कि जो हम सेट S ले रहे हैं R का सबसेट, उसमें बोथ यानी सुप्रीमम भी हो सकता है इनफिमम भी हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि उसमें सिर्फ सुप्रीमम हो लेकिन इनफिमम ना हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। हैव आ इनफिमम, अगर उसमें इनफिमम हो लेकिन सुप्रीमम ना हो। हैव नेदर आ सुप्रीमम नॉर आ इनफिमम, ये भी हो सकता है कि उसमें ना ही सुप्रीमम हो और ना ही इनफिमम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की जब हम ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब हम कोई सबसेट लेते हैं एस सेट आर का, तो उसमें ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट है द डेफिनेशन यू इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सुप्रीमम को, हम एक न्यू तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि यू सुप्रीमम ऑफ एस है, देन यू इज एन अपर बाउंड, तो यू पहली शर्त है कि यू अपर बाउंड होगा ऑफ एस का, साइड दैट यू लेस देन इक्वल देन वी। ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि ये यू लेस देन वी क्या होता है, फॉर एनी वी बिलोंग्स टू एस। तो ये जो वी होते हैं ये स्टूडेंट्स, ये भी क्या होते हैं, अपर बाउंड होते हैं। तो यू को हम क्या कह रहे हैं, सुप्रीमम कहते हैं, यानी लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू। तो अगर यू सुप्रीमम है देन यू हमेशा लेस देन इक्वल देन होगा वी से, तो वी सेट एस के एस से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये सेट एस की ये क्या है, ये भी अपर बाउंड है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल तौर पर भी बताया था। सो नो वी डिफाइन अनदर वे टू डिफाइन सुप्रीमम एंड इनफिमम। तो यहाँ पर हम सुप्रीमम और इनफिमम को एक न्यू वे से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर स्मॉलर देन यू इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वही बात करता हूँ सेट एक्स की, सेट एस की यानी एक्स क्या है, ग्रेटर देन ये माइनस टू है और ये लेस देन टू है। तो टू तो स्टूडेंट्स इसका सुप्रीमम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वन की, वन इज लेस देन टू, लेकिन वन इसका अपर बाउंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपर बाउंड इसके कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, यानी यू तो इन सब अपर बाउंड्स का लीस्ट नंबर है। तो इस यू से भी जो लेस नंबर्स होंगे वो अपर बाउंड नहीं होंगे। अब ये वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, एनी नंबर स्मॉलर देन यू इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस इफ जेड लेस देन यू। फॉर एग्जाम्पल जेड इसको आप वन से मिलें, अब वन लेस देन टू है, देन जेड इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस। तो वन तो यानी जो हम जेड यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो अपर बाउंड में नहीं आएगा। अपर बाउंड इसके मैंने आपको बताया है इसमें थ्री हो सकते हैं, फोर फाइव सिक्स, इस तरह जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अपर बाउंड हो सकते हैं। अब यू से लेस वैल्यू अपर बाउंड नहीं होंगे। मीन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एस जेड इन एस, अगर जेड अपर बाउंड नहीं है सेट एस का, इसका मतलब होगा कि एक एलिमेंट एस जेड इन एस बिलोंग यानी एग्जिस्ट करेगा, साइड दैट जेड लेस देन एस जेड। तो क्योंकि अब देखते हैं यानी वन और टू के दरमियान बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम जब बात करते हैं ये टू तो आप इसको समझ लें ये हमारे पास यू है, और मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ जीरो। अब ये जीरो तो स्टूडेंट्स सेट एस में लाई कर रहा है। ठीक है,
ये सेट एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो जीरो है ये सेट एस से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये अपर बाउंड नहीं है, ये टू से लेस है। अगर यहां पर बात बता रहा है कि अगर ये जीरो लेस देन टू है यानी जेड लेस देन यू है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एस जेड इन एस सच दैट जेड लेस देन एस जेड। अब ये इसके दरमियान देखें जीरो और टू के दरमियान नंबर बहुत सारे नंबर लाइक कर रहे हैं, तो यहां पर मैं फॉर एग्जांपल वन कह लेता हूं, तो वन, तो अब ये जो जीरो होगा स्टूडेंट्स वो लेस देन वन होगा और वन लेस देन क्या होगा टू होगा, तो ये बात बता रहे हैं यहां पर। अब ये जो एस जेड हमने डिफाइन किया है ये नंबर वन है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पर इस एग्जांपल में ये हमने एस जेड डिफाइन किया है, और जो हमने कहा है कि जेड जो कि अपर बाउंड नहीं है सेट एस का, ये यानी जेड लेस देन एस जेड है, ठीक है, ये हम बात यहां पर आपको एग्जांपल ऊपर यानी समझा दी है ताकि आपको ये डेफिनेशन में कंफ्यूजन ना हो। तो सिमिलरली इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देन यू माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन यू एंड थस फेल्स टू बी अपर बाउंड ऑफ सेट एस। जो स्टूडेंट्स यानी सुप्रीमम होता है वो लीस्ट नंबर होता है, ये जितने भी सारे के सारे, फॉर एग्जांपल ये कोई सेट एस हमने यहां पर ये डिफाइन कर लिया है, अब यहां पर जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे अपर बाउंड होंगे, लेकिन ये जो नंबर्स होगा स्टूडेंट्स ये नंबर इसको आप समझ लें यू, ये इसका क्या होगा सुप्रीमम होगा। और फॉर एग्जांपल कोई मैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई नंबर डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई नंबर हो सकता है, तो जब हम u में से वो नंबर माइनस करेंगे यानी u माइनस एप्सिलॉन, ये स्टूडेंट्स u है, तो u माइनस एप्सिलॉन वो नंबर सेट s से बिलोंग करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर आप u से नंबर लेस कर देते हैं तो वो इस सेट s के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो जो u माइनस एप्सिलॉन ये सारे नंबर्स होंगे ये स्मॉलर देन u होंगे एंड फेल्स टू बी अपर बाउंड ऑफ सेट s, और ये सेट s के अपर बाउंड नहीं होंगे, अपर बाउंड ये नंबर्स हो सकते हैं जो यहां पर ये मैंने लाइन ड्रा की है, यानी ये सारे के सारे नंबर इसमें अपर बाउंड में आ सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ अपर बाउंड u ऑफ अ सेट s आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये फॉलोइंग ये फोर डेफिनेशंस हैं, ये अपर बाउंड्स के इक्विवेलेंट ही हैं डेफिनेशन के, तो इसमें पहली बात है कि इफ v इज एनी अपर बाउंड ऑफ s देन u क्या होता है लेस देन v है, ठीक, ये चीज आपको पहले बता चुका हूं, इफ z लेस देन u, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर u यानी z लेस देन u है देन z इज नॉट अपर बाउंड ऑफ s, तो z क्या होगा अपर बाउंड नहीं होगा, इफ जेड लेस देन यू देन देयर एग्जिस्ट नंबर एस जेड बिलोंग्स एस। अब ये मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे चुका हूं कि एस जेड क्या होता है, कौन सा नंबर होता है, ये नंबर एस से बिलोंग करता है सच दैट जेड लेस देन, ठीक है, एस जेड, और ये नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स यू से लेस होता है, यानी एस जेड ग्रेटर देन जेड होता है और ये लेस देन यू होता है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो जेड होगा स्टूडेंट्स वो एस जेड से लेस होगा। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट एस एप्सिलॉन, ठीक है, बिलोंग्स टू एस सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन, ठीक है, तो ये भी वही बात है कि अब यहां पर सेट एस में यू माइनस एप्सिलॉन लाई करेगा और इसमें एक एलिमेंट एस एप्सिलॉन होगा, इससे यानी जो यू माइनस एप्सिलॉन है ये लेस देन एस एप्सिलॉन होगा और ये लेस देन स्टूडेंट्स क्या होगा यू होगा, ये भी वही बात है सेम टू सेम इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है, यहाँ पर हमने ये एप्सिलॉन डिफाइन कर लिया था, तो इस चीज को भी मैं आपको यहाँ पर आके बताता हूँ फिगर में। तो इस चीज को पहले हम देख लेते हैं इस फिगर में। तो देखिये यहाँ पर ये यू है, यानी सुप्रीमम ऑफ सेट एस है, और अब ये जो एस एप्सिलॉन है ये ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन होता है, ठीक है, और ये लेस देन होता है यू से। आप समझ लें ये कोई नंबर है एस एप्सिलॉन और ये यू के बिल्कुल करीब होता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पर ये नंबर है यू माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और देख ले कि एस जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन होता है और लेस देन होता है यू से। ये चीज हम ऊपर बता रहे थे, तो ये चीज हमने यहां पर डिफाइन की। नेक्स्ट है लेमा। लेमा है कि अ नंबर यू इज द सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ यू सेटिस्फाई द कंडीशंस एस लेस देन इक्वल देन यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। ये भी हम ऊपर बयान कर चुके हैं इसके बारे में। इफ वी लेस देन यू देन देयर एग्जिस्ट एस डैश ऑफ एस सच दैट वी लेस देन एस डैश, ठीक है। अब ये भी वही बात है, अब यहां पर हमने ये एस डैश डिफाइन कर लिया और वी एस डैश हमेशा लेस होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है लेमा, एन अपर बाउंड यू ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस इन आर इज द सुप्रीमम ऑफ सेट एस इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एस एप्सिलॉन, ठीक है, एस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एस साइड दैट यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन। इस चीज के बारे में भी आपको यहां पर बता चुकी हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट मैंने आपको बताया भी। तो यानी एप्सिलॉन अगर कोई ग्रेटर देन जीरो नंबर होता है, तो अगर यू से एप्सिलॉन को मैं लेस कर देता हूं तो ये जो नंबर होगा ये हमेशा एस एप्सिलॉन से लेस होगी, ठीक है, और एस एप्सिलॉन हमेशा सेट एस का ही मेंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है। इफ यू, अब इसी लेमा का हम प्रूफ देख रहे हैं कि इफ यू इज एन अपर बाउंड, अगर हम कहते हैं u अपर बाउंड ऑफ s है एंड इफ v लेस देन u है, ठीक है, यानी u तो अपर बाउंड है कोई और v लेस देन u है। अगर v लेस देन u है तो हम लिख सकते हैं u इज ग्रेटर देन v, तो u माइनस v इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एप्सिलॉन का हम स्टूडेंट चूज करते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो हम u माइनस v को एप्सिलॉन के इक्वल लिख सकते हैं। देखें ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है और ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर मैं u माइनस वी को एप्सिलॉन कह सकता हूं, तो u माइनस वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये क्या होगा स्टूडेंट्स ग्रेटर देन जीरो। यहां पर ये चीज हम यूज करेंगे, अगर u अपर बाउंड है ऑफ सेट s का एंड इफ v लेस देन u है देन वी पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू u माइनस वी, तो u माइनस वी विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो हम एप्सिलॉन को u माइनस वी पुट कर सकते हैं। ये चीज यहां पर जो मैंने अभी आपको बताई है, देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सो देयर एग्जिस्ट s एप्सिलॉन बिलोंग्स टू s सच दैट v लेस देन s एप्सिलॉन। ये चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो एस एप्सिलॉन एस से बिलोंग करेगा और वी इस एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन से हमेशा लेस होगा। तो देखें अब यहां से एप्सिलॉन है यू माइनस वी, तो यहां से आप वी लिख सकते हैं यू माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, तो हम वी को स्टूडेंट्स यू माइनस एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, तो यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन, therefore v is not upper bound of s, तो v upper bound यहां पर नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने u को अपर बाउंड किया था, सपोज किया था, और एक v भी अपर बाउंड था जो u से लेस है। तो यहां पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पर हमारे पास आ गया u माइनस एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू v लेस देन s एप्सिलॉन, तो u माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन, यानी ये था स्टूडेंट्स
वेक इक्वल था, लेकिन ये तो एलिमेंट आ गया सेट एस का, तो ये अपर बाउंड ना होगा। जो अपर बाउंड होते हैं वो सेट एस के एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो यू है वो हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ठीक है। तो ये जो यू है स्टूडेंट्स, ये यहां पर हमने इसको कहा है सुप्रीमम ऑफ सेट एस। नेक्स्ट है कन्वर्सली, सपोज यू इज सुप्रीमम एंड लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, सिंस यू माइनस एप्सिलॉन ये लेस होता है यू से, ये भी हम यहां पर देख सकते हैं फिगर के जरिए, देन यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड, ये अपर बाउंड तो नहीं हो सकता, देयरफॉर सम एलिमेंट एस एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा सेट एस में से, मस्ट बी ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन एंड इज यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन। अगर हम कहते हैं कि यू सुप्रीमम है तो एक नंबर लेट हमने किया यहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो सिंस यू माइनस एप्सिलॉन ये लेस देन यू होगा, ये नंबर यू माइनस एप्सिलॉन ये लेस देन यू होगा, देन यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, ठीक है, ऑफ सेट एस। देयरफॉर अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो एक एलिमेंट एस एप्सिलॉन, ये जो एस एप्सिलॉन है ये एग्जिस्ट करेगा सेट एस में से, ये मस्ट बी ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन दैट इज यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन, और ये हमेशा लेस देन होगा यू से। ये बात हम कर रहे हैं कि अगर यू माइनस एप्सिलॉन ये लेस देन यू है, ठीक है, तो यू माइनस एप्सिलॉन ये अपर बाउंड नहीं होगा। अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो एक एलिमेंट एस एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा और ये एलिमेंट यू माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा और ये लेस होगा यू से। ये बात यहां पर बता रहे हैं, इस फिगर में भी मैंने यहां पर बता दिया इसका मीनिंग क्या, ठीक है। यानी जो यू माइनस सॉरी एस एप्सिलॉन है ये ग्रेटर होता है यू माइनस एप्सिलॉन से, लेस देन होता है यू से, और ये एलिमेंट सेट एस से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी इस तरह भी आप इसको डिनोट कर सकते समझने के लिए। नेक्स्ट है लास्ट, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या होती है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, दैट हैज एन अपर बाउंड, यानी सेट एस, सेट एस जो कि सब सेट होता है, यहां पर हम ले रहे हैं आर का, यानी एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट of real numbers that has an upper bound also has a supremum in R. अगर set S का कोई upper bound है तो ये supremum जो होगा वो element होगा set R। ये भी ऊपर हम definition में define कर चुके हैं, यानी हम जो set S ले रहे थे, यानी for example वही बात कर लेता हूँ set S की, यानी greater than minus 2 लेस देन टू, इस सेट की मैं बात करता हूँ जो पर हम इस एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पर जो टू है स्टूडेंट्स वो इस सेट का तो एलिमेंट नहीं है। अब ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है तो सुप्रीमम, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अपर बाउंड है। अगर कोई सेट एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर का सबसेट, अगर उसमें कोई अपर बाउंड है तो वो जो ऑल्सो हैज आ सुप्रीमम इन आर, तो जो सुप्रीमम होगा स्टूडेंट्स वो आर से ही बिलोंग करेंगे। तो ये देख लें, अब टू इस सेट का तो एलिमेंट नहीं है लेकिन ये एलिमेंट किसका है, आर, ये सुप्रीमम होता है। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये सेक्शन कम्प्लीट हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।